हेलो एवरीवन। तो आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि उसको कैसे फिल करना है। आप लोग जब एडमिट कार्ड निकालने जा रहे होंगे तो आप उसके पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन भर रहे होंगे, तो उसमें पूछा होगा कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है आपको, मतलब किसी के टच में आप 14 डेज़ में आए नहीं हो, या फिर आपका जो है 14 डेज़ में कोई फ्लू का सिम्टम तो नहीं है। तो यहाँ पर सब में जो है, पहली बात तो वहाँ पर नो नो लगा देना, ठीक है, क्रॉस क्रॉस यहाँ पर भी क्रॉस कर देना, ठीक है। ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, क्लियर। और यहाँ पर नेक्स्ट है जो, अगर गए हो मतलब आप 14 दिन में किसी सिटीज़ में, तो कोई भरने का जरूरत नहीं, आप कहीं भी नहीं गए उसमें, बस सिर्फ यही डाल देना, क्लियर। और रही बात नेक्स्ट की, तो आप जो है पहली बात तो अपना फ़ोटो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है फ़ोटो अपना एक लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन, वो आपके जब आप वहाँ पर जाओगे ना एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर ही आपको करवाएंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर भी वहीं पर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको अगर करना है तो यहाँ पर फ़ोटो जमा कर, मतलब लगा लेना, और जब एग्ज़ाम जाना तो 2 फ़ोटो लेके जाना, क्लियर। ये चीज़ होना चाहिए। और ये तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसका जो टाइमिंग है, क्लियर। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम, अगर आपका 10 से 12 एग्ज़ाम है तो 8:40 तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। गेट क्लोज़ हो जाएगा आपका 9:30 तक, और एग्ज़ाम होगा 10 से लेके 12 तक, क्लियर। तो ये जो है आपका एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन है, कुछ है नहीं। आप लोग जो है सब पे काट दो, ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस कर दो, कुछ कुछ ये सब सारी चीज़ें क्रॉस कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी सारा क्रॉस कर दो, क्योंकि सिम्टम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भर लो, ओके। और कोई भी और इशू हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, थैंक यू।